आपका बच्चा कहाँ जाता पढ़ने? आंगनवाड़ी। तो वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ लेटरिन बाथरूम का दिक्कत है। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं होती? नहीं है, यहाँ घर पे आते हैं। कच्ची आंगनवाड़ी है, पक्की होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम नहीं है। एक ही घर में चूल्हा है और खाना पीना बनता है, पढ़ाई भी होता है उसी में। अंधर वो खिलाएगा तो गिर जाएगा, बच्चा का डर है। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत पक्की आंगनवाड़ी केंद्र होनी चाहिए ताकि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को सेविका सुरक्षित से रख सके और स्कूल पूर्व शिक्षा दे सके। कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के गांव पंचायत उत्तरी भंडातर मंडल टोला में अपना आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। 12 वर्ष से आंगनवाड़ी केंद्र भाड़े पर चल रही है, उसमें भी जगह का अभाव है। एक ही कच्ची रूम है, उसी में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, खाना भी बनता है, और जिससे कि धुआं से बच्चे रोने लगते हैं और पेशाब और लैटरिन के लिए बहाने बच्चे घर भाग जाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण सेविका भी परेशान रहती है। कई बार उन्होंने लिख करके भी दी जगह जगह मीटिंग में, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पर क्या समस्या है? बहुत परेशानी होता है, एक ही रूम में खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चा का भी पढ़ाई होता है। धुआं से पूरा रूम भर जाते हैं, बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, खेल कूद सही से नहीं हो पाता है। रोड से कुछ नीचे है तो बरसा बूंदी में और दिक्कत होता है, पानी जमा हो जाता है, बच्चा सही से आ नहीं पाते हैं सेंटर पर। ये समस्या कितने दिन से है? जब से शुरू हुआ है तभी से। कब शुरू हुआ? शुरू हुआ है 2005 में दिसंबर में। तो तब से ये समस्या है। क्या इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए हैं? कभी किसी के पास आवेदन दिए हैं? दिए मैडम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम सोचते हैं कि सरकारी भवन बन जाए तो अच्छा रहे। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र पक्की जल्द से जल्द बने। इसलिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकगण से अपील करती हूं कि यहां के CDPO का मोबाइल नंबर है 94130055 09, इस नंबर पर कॉल कर उन पर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं नविता जिला कटिहार बिहार से इंडिया अनहट के लिए।